नमस्कार प्यारों मित्रों, मैं संगीता गुप्ता, रेकी ग्रैंड मास्टर, क्रिस्टल हीलर, पिछले 25 साल से ज़्यादा आपकी सेवा में रत हूँ और आपके लिए नए नए वीडियोस लाने की कोशिश करती रहती हूँ। आज हम बात करेंगे पिरामिड क्रिस्टल हीलिंग की। पिरामिड्स आर वेरी पावरफुल क्रिस्टल्स। पिरामिड शेप जो होती है वो एनर्जी को कई गुना एनहेंस मल्टीप्लाई करती है। आपने सुना होगा इजिप्शियन पिरामिड्स के बारे में, जिसके अंदर ममीज़ रखते थे राजा महाराजा की, और वो सुरक्षित रहती थी। तो पिरामिड शेप जो है वाइट लाइट एनर्जी को रिसीव करके, डिवाइन लाइट को रिसीव करके पूरी तरह चारों कोनों में विसर्जित करता है। पिरामिड शेप के अंदर कुछ भी चीज़ को आप रखते हैं तो वो फ्रेश और बहुत अच्छी देर टाइम तक ताज़ा रह सकती है। पिरामिड क्रिस्टल को आप साफ कर लेंगे, अगर आप वाइट क्वार्ट्ज पिरामिड रहते हैं तो उसको ओवरनाइट रख के उसको क्लीन करेंगे और उसको रनिंग वाटर से धो लेंगे। अब इस पिरामिड का आप उपयोग फल सब्जियों के साथ कर सकते हैं। अपने फलों की ट्रे के बीचों बीच वाइट क्वार्ट्ज पिरामिड को आप रख सकते हैं। वाइट क्वार्ट्ज पिरामिड जो है आपके फल सब्जियों को ज़्यादा टाइम तक ताज़ा रखता है, स्पेशली गर्मियों में जब उमस होती है, गर्मी से जल्दी फल और सब्जी मुरझा जाते हैं। तो सब्जियों को ज़्यादा देर तक ताज़ा रखने के लिए अपने फलों की सब्ज़ी या टोकरी में आप पिरामिड रख सकते हैं, ये आपके खाने को फ्रेश रखेगा। पिरामिड को विभिन्न चीज़ों के लिए आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर हम बात करें एमेथिस्ट पिरामिड की, तो एमेथिस्ट क्रिस्टल का पिरामिड लें, वो कंसंट्रेशन फोकस के लिए काम करता है, लेफ्ट और राइट ब्रेन को बैलेंस करता है, स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाता है। तो एमेथिस्ट का पिरामिड ले लें, जितना बड़ा पिरामिड होगा वो उतना पावरफुली काम करता है। तो एमेथिस्ट के पिरामिड को सॉल्ट वाटर में धो लें, रात भर रखें फुल मून में, और अगले दिन उसे बर्तन से निकाल के रनिंग वाटर के अंदर आपको अच्छे से धोना है ताकि उसका नमक निकल जाए। उसके बाद उसे नेचुरली सूखने दें। अपने दोनों हाथों में लेफ्ट पाम को नीचे रखें, राइट पाम को पिरामिड के ऊपर रख के इसकी प्रोग्रामिंग करनी है एफर्मेशंस के द्वारा। आपने एफर्म करना है कि आपका क्रिस्टल हीलिंग पिरामिड बहुत ही पावरफुल हो गया है, आपको फोकस्ड एनर्जी दे रहा है, आपकी कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, आपके माइंड को स्टेबलाइज कर रहा है। और जिस किसी को डिप्रेशन भी है तो ये डिप्रेशन को दूर करके आपको हैप्पीनेस और एनलाइटनमेंट दे रहा है, हैप्पीनेस दे रहा है। एमेथिस्ट क्रिस्टल मुझे अच्छे से पॉजिटिव एनर्जी दे। इस तरह से प्रोग्राम करने के बाद आप अपने क्रिस्टल को अपनी स्टडी टेबल पे, वर्किंग टेबल पे आप रख देंगे। दूसरा फुल मून आने पे ये प्रक्रिया को दोबारा आपने करना है, दोबारा से प्रोग्रामिंग करनी है अपने पिरामिड शेप क्रिस्टल की। इसी तरह से आप अपनी मनी और अबंडेंस इश्यूज को भी सॉल्व कर सकते हैं, सिट्रीन के पिरामिड से, येलो कलर पिरामिड से। टाइगर आई का पिरामिड भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, येलो क्वार्ट्ज को इस्तेमाल कर सकते हैं, एनी येलो कलर हीलिंग स्टोन विल डू, कोई भी येलो कलर का स्टोन ले लें। इसी को एनर्जाइज करेंगे, पानी में सोक करेंगे और सिट्रीन को एफर्मेशंस देंगे इस्तेमाल करने से पहले। आई एम रिच अबंडेंट एंड प्रॉस्पेरस, मैं रिच अबंडेंट और प्रॉस्पेरस हूँ, मेरे को बहुत सारी बिजनेस डील्स आसानी से मिल जाती हैं, मेरे को बहुत सारी बिजनेस डील्स आसानी से मिल जाती हैं। आई एम पावरफुल, मैं पावरफुल हूँ, मैं बहुत ही पावरफुल हूँ, अबंडेंट हूँ।
और अच्छा हूँ। इसको प्रोग्राम करने के बाद आप इसे वर्किंग टेबल पे रखेंगे और रिपीट करेंगे नेक्स्ट फुल मून वाले दिन, उसको क्लेंजिंग करेंगे, रीप्रोग्रामिंग करेंगे और फिर से इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे अपने कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। थैंक यू। और अगर आपको प्रॉपर क्रिस्टल हीलिंग क्लास करनी है तो मुझे कॉल करें 9811142249। थैंक यू।